नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम आप लोगों से डायरेक्ट क्लास में आकर के लाइव नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मेरे सारे सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही पूर्ण करवाऊँगा। तो अपन ने स्टार्टिंग में जो पहली क्लास में हमने जो पढ़ा था संविधान का सामान्य परिचय, नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रमुख अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को हम लोग पढ़ चुके थे और भाग एक और भाग दो के विषय में भी हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। आप ध्यान रखेंगे, आज हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आप चाहे किसी की भी परीक्षा दो, प्रत्येक परीक्षा में, छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर के बड़ी से बड़ी परीक्षा के अंदर मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी परीक्षाओं में इनके प्रश्न सही करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आप में से काफ़ी लोग क्या करते होंगे कि आधा देख करके निकाल देते होंगे, तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आप हमारे पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आप लाइफ में कभी भी मौलिक अधिकारों को नहीं भूल पाएंगे। मैं आज कई सारी 100 ट्रिक्स की भी बात करूँगा जो आपको सदैव याद रहेगी। तो चलो हम बातचीत करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को जानने से पहले बच्चों, हमें ये मानव अधिकार के विषय में, वुमेन राइट्स के विषय में जान लेना होगा कि मानव अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या अंतर है, वुमेन राइट्स। तो हम बातचीत करते हैं मानव अधिकार। देखो, मानव अधिकार बच्चों किसे कहेंगे, जब बच्चा माँ की गोद से पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसे मानव अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। मानव होने के नाते उसे खोख से बाहर आते ही मानव अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। मानव अधिकार किसी देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं। मानव अधिकार संविधान के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। मानव अधिकार देश के संविधानों में भी बंधे नहीं होते। मानव अधिकार बहुत विस्तारित अधिकार हुआ करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मानव अधिकार व्यक्ति को जन्म लेते ही मिल जाते हैं मानव होने के नाते। तो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार अलग अलग है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बातचीत करते हैं मौलिक अधिकारों के विषय में। तो देखो बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हो सकता है, मौलिक अधिकारों से जो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कर रखा है, इस प्रकार भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कर रखा है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी प्रावधान बताए गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। हमारे 395 अनुच्छेदों में से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के मध्य सारे के सारे प्रावधान जो होंगे बच्चों, वह मौलिक अधिकारों के होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अंदर अगर हम बातचीत करें तो ये जो भाग 3 है मौलिक अधिकारों वाला भाग, आप लोग ध्यान रखेंगे, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत का मैग्ना कार्टा या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है और मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है, काफ़ी सारी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों, मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र, क्या होता है, अधिकार पत्र। भारत का अधिकार पत्र या भारतीय संविधान का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान के भाग 3 को। हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर मैग्ना कार्टा होता है क्या है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे कि सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर 1215 ईस्वी में वहाँ के राजा ने किसानों को कुछ अधिकार दिए थे, किसानों को कुछ अधिकार दिए थे, उन्हीं अधिकारों को इंग्लैंड के अंदर मैग्ना कार्टा कहा गया था, जिसका हिंदी में शाब्दिक होता है, हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है अधिकार पत्र। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये हमें अधिकार प्रदान करता है, इसलिए इसे भारतीय का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है।
इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष में भी प्रश्न बन जाते हैं बच्चों। कथन आप लोगों को दे देगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और कारण आपको दे देगा कि इसमें भारत के मौलिक अधिकार या हमारे देश के मौलिक अधिकार दे रखे हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में कर रखा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं तो भारत के संविधान के सभी भागों में सर्वाधिक आलोकित भाग किसे कहा जाता है। आलोकित का मतलब होता है बच्चों प्रकाशवान। सर्वाधिक आलोकित भाग भी किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान के भाग 3 को ही। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग को ही बच्चों क्या कहा जाता है, सर्वाधिक आलोकित सर्वाधिक प्रकाशवान भाग कहा जाता है। आप लोग जरा ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने बच्चों 1895 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे आप, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में एक स्वराज्य विधेयक पारित किया था। आप लोगों को अच्छे से याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया होगा क्लासों में, और ऐसे भी मैं आप लोगों को वापस जब भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगा उस वक्त इसकी काफ़ी चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक एक स्वराज्य विधेयक लेकर के आते हैं। ये स्वराज्य विधेयक दरअसल स्वराज्य दल के ऊपर निर्भर करता था, स्वराज्य दल में ये सम्मिलित थे और ये स्वराज्य विधेयक लेकर के आते हैं। और भारत में पहली बार इसी स्वराज्य विधेयक में संविधान की मांग की गई थी। भारत में पहली बार इसी स्वराज्य विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की थी, इसीलिए मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष ही किसे बनाया गया था, बाल गंगाधर तिलक को। इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते कि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग अच्छे से उत्तर दे सकते हैं अब कि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक ही थे, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं, बहुत बढ़िया अच्छा सा टॉपिक है, कई सारे प्रश्न लगभग किसी भी परीक्षा के अंदर आप देख लेंगे मौलिक अधिकारों से जरूर प्रश्न आते हैं। आप प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखेंगे, मौलिक अधिकार आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन हुए, तिलक। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसमें की गई, स्वराज्य विधेयक में, किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वाधिक आलोकित भाग कौन सा है, भाग 3, और इसे क्या कहा जाता है, भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। अब हम बातचीत करते हैं बच्चों कि भारत का संविधान बोरिंग्स ऑफ बैक, आइवर जेनिंग हम लोगों को ऐसा बताते हैं कि भारतीय संविधान उदार का थैला है, बोरिंग्स ऑफ बैक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हम कहाँ से लेकर के आए, भारत में मौलिक अधिकारों का प्रावधान हम लोगों ने कहाँ से लिया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से गृहीत किए गए, जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में ये कहाँ से लिए गए हैं बच्चों, अमेरिका के संविधान से गृहीत किए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोग लिख सके अच्छे से। कल भी मुझे काफ़ी कमेंट आए क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, तो आप लोग ले लें और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं मौलिक अधिकारों को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो मौलिक अधिकार है कैसे, आप लोगों ने ले लिया होगा, मौलिक अधिकार है कैसे, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हैं या मौलिक अधिकार सामूहिक है, इसकी भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोग कथन निष्कर्ष के अलावा इस प्रकार के भी प्रश्न हमारे आते हैं कि निम्नलिखित में से सत्य हैं या निम्नलिखित में से असत्य हैं, और आप लोगों को दे देगा कि मौलिक अधिकार सामूहिक होते हैं, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत होते हैं, मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं, मौलिक अधिकार विधि सम्मत होते हैं, वैधानिक होते हैं, मतलब वाद योग्य होते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकार सामूहिक नहीं होते हैं, मौलिक जो अधिकार होते हैं बच्चों ये होते हैं व्यक्तिगत, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा।
मौलिक अधिकार कैसे होते हैं बच्चों? व्यक्तिगत होते हैं। साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। किसके विरुद्ध प्रदान किए जाएंगे? राज्य के विरुद्ध। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मानव अधिकार आप लोग समझ चुके थे, देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं। मानव अधिकार किसी संविधान में बंधे हुए नहीं होते हैं। मानव अधिकार तो व्यक्ति के जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद उसको जो जीने का अधिकार दिया जाता है, जो संविधान के तहत जो हमारी सरकार हमें अधिकार प्रदान करती है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, बहुत बढ़िया परिभाषा में आपको मौलिक अधिकारों की बता रहा हूँ। ये राज्य के विरुद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए होते हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए गए अधिकार ही क्या कहलाते हैं बच्चों? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सर्वांगीण विकास, उसका संपूर्ण विकास के लिए जो अधिकार हमें सरकार प्रदान करेगी वही क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार। ये होते कैसे हैं बच्चों? राज्य के विरुद्ध होते हैं। इसका मतलब आप क्या समझे कि मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं? आप ध्यान रखेंगे, यहाँ राज्य शब्द का मतलब ये राज्य नहीं है कि जैसे मैं राजस्थान से हूँ, आप में से कोई गुजरात, कोई यूपी, कोई बिहार का होगा, तो ऐसा नहीं है। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दे रखी है, जो हम वीडियो के लास्ट में बातचीत करेंगे। दो अनुच्छेद जो भारतीय संविधान के बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, तो वहाँ आपको राज्य शब्द समझ में आ जाएगा। तो राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। राज्य के विरुद्ध प्रदान करने के कारण इनके नेचर क्या है? फंडामेंटल राइट्स की हम बातचीत कर रहे हैं, इनकी प्रकृति क्या है, इनके नेचर क्या है? तो अगर हम इनकी प्रकृति की बातचीत करते हैं बच्चों, तो इनकी जो प्रकृति है वो है नकारात्मक। ये क्या होते हैं बच्चों? नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक का मतलब आप समझ गए होंगे, निषेधात्मक, ये मना करते हैं। राज्य के विरुद्ध होते हैं इसलिए ये क्या कहते हैं? निषेधात्मक होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी है बच्चों? इनकी प्रकृति नकारात्मक है। कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूर्व में मौलिक अधिकार पढ़ रखे होंगे, तो ये राज्य के विरुद्ध होंगे और मना करेंगे। नकारात्मक है निषेधात्मक, निषेध करेंगे, मना करेंगे। कैसे? कि राज्य किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता, राज्य उनके साथ छुआछूत नहीं कर सकता, किसी में भी ऐसा नहीं कर सकता। आप जब मैं मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब आप देखेंगे कि बार बार मना करेंगे, बार बार नहीं शब्द का, ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कर सकता राज्य। तो बार बार नहीं नहीं शब्द जो आ रहा है आप लोग ध्यान रखेंगे, छुआछूत नहीं कर सकते, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी है? निषेधात्मक है। इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार बच्चों जरूर वाद योग्य है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। और कोई भी जो भी वाद योग्य होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उसे हम न्यायिक भी कह सकते हैं। मौलिक अधिकार गैर न्यायिक नहीं है। मौलिक अधिकार कैसे हैं? न्यायिक हैं। मतलब मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, मौलिक अधिकार न्यायिक हैं। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब ये है कि कोई भी राज्य हैं, राज्य में तमाम संस्थाएं आती है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी संस्था जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करती है, तमाम संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत में अभी आप लोगों को समझाऊंगा, अनुच्छेद 12 जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आप लोग ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप लोग न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अगर भारत के किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय में शरण ले सकता है, हमारे कोर्ट में शरण ले सकता है। इसका मतलब ये क्या है? वाद योग्य है। इनसे संबंधित न्याय को वह न्यायालय में चुनौती दे सकता है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों? न्यायिक है। मतलब मौलिक अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकार वाद योग्य होने के कारण इनको कौन सी शक्ति प्राप्त है बच्चों? कानूनी शक्ति प्राप्त है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है। और कानूनी शक्ति प्राप्त है इसका मतलब क्या है? मौलिक अधिकार वैधानिक है।
वैधानिक, विधि सम्मत। वैधानिक का मतलब क्या होगा बच्चों? विधि सम्मत। काफी बार इस शब्द को भी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार क्या है। विधि सम्मत, विधि सम्मत का मतलब बच्चों वही है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है, क्योंकि ये क्या है बच्चों? विधि सम्मत है। तो इनको कानूनी शक्ति प्राप्त है, ये वैधानिक हैं, ये वाद योग्य हैं, ये विधि सम्मत हैं, मौलिक अधिकार, ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में बहुत बढ़िया प्रश्न भी मौलिक अधिकारों का पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार मूलतः संविधान का अंग नहीं थे या मौलिक अधिकार मूलतः संविधान का अंग थे। तो आप ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकार मूल संविधान का अंग थे। देखो बार बार बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे शब्द बार बार आ रहे हैं, मूल संविधान का अंग थे। अब मूल संविधान का क्या अभिप्राय होता है, मैं आप लोगों को पूर्व की कक्षा में समझा चुका हूँ। जिसने भी हमारी पूर्व की कक्षा नहीं देखी है वह हमारी चैनल पर आकर के कक्षाएं देख ले। 26 जनवरी 1950 के दिन जो हमने संविधान को लागू किया था बच्चों, उस 26 जनवरी 1950 के दिन वाले संविधान में हमारे मौलिक अधिकार सम्मिलित थे, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये मूल संविधान का अंग थे। मतलब 26 जनवरी 1950 के दिन जो हमने संविधान लागू किया था उस संविधान में ये सम्मिलित थे, क्योंकि मूल कर्तव्य का ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। मूल कर्तव्य मूल संविधान के अंग नहीं थे, 26 जनवरी 1950 के दिन वो हमारे संविधान में नहीं थे, लेकिन मूल अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि मूल संविधान का अंग थे। नेक्स्ट प्रश्न ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है बच्चों कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे। तो इसे जानने से पहले प्लीज आप लोग इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोगों के नोट्स लिखने में बढ़िया आसानी हो सके, और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने मूल अधिकार थे। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से होता है और परीक्षाओं में गलती हो जाता है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं साफ कर देता हूँ, आपने ले लिया होगा शायद कि कितने मूल अधिकार थे। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और बच्चे क्या करते हैं कि अच्छे से तैयारी करते हैं, और अच्छे से तैयारी करने पर उनको ये प्रश्न क्या लगता है, बहुत सिंपल लगता है कि यार कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न परीक्षा में आता है और लगभग 90% बच्चे इस प्रश्न को गलती करके आते हैं, तो अब आप शायद गलती नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे मूलतः संविधान में, वापस से बार बार शब्द आ रहा है मूलतः संविधान, मतलब जब हमने 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को लागू किया था उस दिन भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से तैयार होता है आप लोगों के लिए कि मूलतः संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे बच्चों? 7। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? इस प्रकार का भी प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं बच्चों? 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखो परीक्षा में किसे आप लोग प्रश्न गलती कर देंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, अक्सर खासकर लड़कियाँ इसे गलती कर देती है, क्योंकि जल्दी में होती हैं, थोड़ा तनाव ज़्यादा होता है, तो प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ पाती है कि कितने थे और हैं। केवल 2 शब्द में परिवर्तन कर देता है कि थे, कितने मौलिक अधिकार थे तो आप क्या बताएंगे? 7। और कितने मौलिक अधिकार हैं तो आप लोग क्या बताएंगे? 6। फिर ये एक मौलिक अधिकार कौन सा हटा दिया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे संपत्ति का मौलिक अधिकार। एक मौलिक अधिकार का नाम है संपत्ति का मौलिक अधिकार। इस संपत्ति के मौलिक अधिकार सहित भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और ये संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है बच्चों, ये पूर्व में कौन से अनुच्छेद में था? भारतीय संविधान का आर्टिकल 31। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख कर रखा था। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 35, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35, भारतीय संसद को, हमारी संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
कि अनुच्छेद 35 के तहत मौलिक अधिकारों में जो संशोधन कर सकती है, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। दरअसल आप लोगों को पता होगा बच्चों कि मैं आप लोगों को संविधान संशोधन पूर्व में भी भाग एक के अंदर पढ़ा चुका हूँ। भाग एक में मैंने पूरे 368 की व्याख्या की है, आप लोग ध्यान रखेंगे, वहाँ जाकर के भी आप वापस से संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ सकते हैं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 35 इस बात का उल्लेख करता है कि अगर हमें आवश्यकता होती है, हमारे देश की सरकार को, हमारे देश की संसद को आवश्यकता महसूस होती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत इसके मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना इसमें क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। देखो आप लोग ध्यान रखेंगे, मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा क्या है, इस बात का निर्णय कौन लेगी? इस बात का निर्णय न्यायपालिका लेगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यायपालिका ने ये फिक्स नहीं किया है कि हम किन किन को मूल ढांचा कहेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है, हमारे संविधान के आदर्श क्या है, हमारे संविधान के दर्शन क्या है, हमारा संविधान कहना क्या चाहता है, तो इन सभी बातों के अंदर जो हमारा संविधान जिस पर टिका हुआ है, हमारे संविधान की जो नींव है वह मूल ढांचा है, और संविधान का मूल ढांचा क्या होगा इस बात का निर्णय कौन लेगी, इस बात का निर्णय न्यायपालिका लेगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो संसद को अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 35 के तहत वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे और अनुच्छेद 35 का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने 44वां अमेंडमेंट किया। आप लोग ध्यान रखेंगे, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को निरसित कर दिया बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निरसित का मतलब डिलीट कर दिया, और इस अनुच्छेद को क्या कर दिया, खाली कर दिया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत निरस्त किया गया, डिलीट किया गया, हटा दिया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा करके अब इसे संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया बच्चों, वैधानिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बना दिया है। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, बहुत बढ़िया प्रश्न कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, तो आप लोग ध्यान देंगे, एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन आप लोग समझेंगे, तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है बच्चों, वैधानिक अधिकार। और इस 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 ए से हटा करके वर्तमान में कहाँ जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चाहे कोई भी भाग हो या फिर अनुच्छेद दो, जिसके भी पीछे से ए बी सी डी कह गए अगर आपको नजर आता है, तो ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, मतलब बाद में संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो पूर्व में अनुच्छेद 31 के अंदर था उसे डिलीट कर वर्तमान में इसे वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और ये बच्चों आपको कहाँ मिलेगा, अनुच्छेद 300 ए में मिलेगा, क्योंकि इसे कहाँ जोड़ दिया, अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया। दरअसल दो संविधान संशोधन आपके बहुत काम आएंगे, एक तो 42वां संविधान संशोधन और एक बच्चों 44वां संविधान संशोधन, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के स्क्रीनशॉट में भी काम आ सके, 42वां संविधान संशोधन, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन। काफ़ी सारी परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है, अगर आपसे 42वां संविधान संशोधन पूछे कि कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, आपसे पूछे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1978 में हुआ था। मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि इन्हें कैसे याद रखेंगे। देखो 42वें संविधान संशोधन आज दिन तक का सबसे लंबा संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन ऐसा संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक लघु संविधान की ही संज्ञा दे दी गई, ये इंदिरा जी के समय पर किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो बच्चों आप 4 और 2 को जोड़ देंगे, 4 और 2 जोड़ते कितने हुए, 6, मतलब 42वां संविधान संशोधन 4 और 2 का मतलब 6 1976 में किया गया था, और 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 4 और 4 8 का मतलब 1978 में किया गया था।
काफ़ी सारी बातें हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया था, लेकिन पुनः वापस 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत 6 वर्ष कर दिया था। जब हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तब ऐसी भी बातें किया करेंगे। तो आप लोग एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मूलतः संविधान में 7, वर्तमान में 6, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अब हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकारों। आप प्लीज वीडियो पूरा देखना, आप कभी भी 6 मौलिक अधिकार नहीं भूलेंगे और आपने ले लिया होगा। अब हम बातचीत करते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और कहां से स्टार्ट होते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार, लेकिन ये अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को हम थोड़ा छोड़ करके सबसे पहले हम मौलिक अधिकारों को समझ लेते हैं, फिर मैं 12 और 13 आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। देखो, सबसे पहले बच्चों जो होगा उसका नाम होगा समता का अधिकार। इसको जरा हम ट्रिक से पढ़ेंगे तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। समता, समता का मतलब समानता का अधिकार, समता का अधिकार। मैं आप लोगों को प्रस्तावना में भी समताएं पढ़ा करके आया था दो प्रकार की, तो आप लोग वहां पर भी ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना को भी पढ़ेंगे। फिर होगा बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार। आप टेंशन ना लेंगे, जिन बच्चों को इनके नाम याद नहीं है उनको मेरी गारंटी है मैं नाम भी याद करवा दूंगा, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर होगा बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर बच्चों हमें दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद बच्चों शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, मैं सभी की इनकी व्याख्या करूंगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अभी मैं आप लोगों को ऊपर से याद करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न गलती होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट में आता है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखो, ये हुए अपने 6 मौलिक अधिकार। प्रारंभ में कितने थे बच्चों, प्रारंभ में 7 थे, वर्तमान में कितने हैं, 6। 1 समता का अधिकार, 2 स्वतंत्रता का अधिकार, 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो बच्चों, इसे आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे कि समता का जो अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेगा ये मिलेगा अनुच्छेद। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको क्या मिलेगा, समता का अधिकार, समानताओं का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ये अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 25 तक, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 और अनुच्छेद 23 और 24, सॉरी अनुच्छेद 23 और 24, दो प्रकार के आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों आपको मिलेगा अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक, और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार बच्चों आप लोगों को मिलेगा अनुच्छेद 29 और 30 में, जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा की गई है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बच्चों आप लोगों को मिलेगा अनुच्छेद 32 के अंदर। आप सोच रहे होंगे
कि अनुच्छेद 31 कहाँ गया। तो मैं आप लोगों को मैंने बता दिया है कि अनुच्छेद 31 डिलीट कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 300 ए में जोड़ करके उसे संवैधानिक एक कानूनी अधिकार बना दिया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये चार आप लोगों को दे देगा कोई सा भी, और निम्नलिखित में से सत्य है या असत्य है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये ध्यान रखने होंगे कि 14 से 18 में ये है। दूसरा प्रश्न वो भी दे सकता है कि निम्न को सुमेलित कीजिए कि कहाँ से कहाँ तक है, तो असंगत है या सुमेलित कीजिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तिनको कंटिन्यू याद करेंगे, 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और 32, 33 और 34 की अगर हम बातचीत करते हैं तो ये हमारे सैन्य बल, अर्ध सैन्य बलों से संबंधित, हमारी खुफिया एजेंसियों के से संबंधित मौलिक अधिकारों के प्रावधान है, जो मैं आपको अनुच्छेदों में बताऊंगा। अनुच्छेद 35 मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो अंतिम है। अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन सकारात्मक। अब इनको कैसे याद करेंगे, तो इनको हम यहाँ से उठाएंगे। मैं बहुत बढ़िया ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हमने लिया सम, यहाँ से स्वतंत्रता से हमने ले लिया सव, और हमारा शब्द क्या बन गया, समस्व। शब्द क्या बन गया, समस्व। सम का मतलब समता, सव का मतलब स्वतंत्रता। मैं लिखता भी जाता हूँ, नंबर एक सम का मतलब क्या होगा बच्चों, स्वतंत्रता। नंबर दो सव का मतलब क्या होगा, स्वतंत्रता। तो समस्व शोध, कैसा शोध बच्चों, समस्व शोध। सो का मतलब क्या होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दे का मतलब क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई, समस्व, समस्व शोध, शोध करना है, समस्व शोध करना है। शिक्षा सर्वे पर, मैं लिख देता हूँ पूरी, करना है, किस पर करना है, शिक्षा सर्वे पर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पूरे मौलिक अधिकारों के नाम जानने के लिए आप लोग केवल एक ट्रिक ध्यान रखेंगे कि समस्व शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। सम का मतलब समता का अधिकार, सव का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, सो का मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, दे का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आप ध्यान रखेंगे शिक्षा, शिक्षा का मतलब शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और बच्चों 6वें सर्वे से आप लोग ध्यान रखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे भारतीय संविधान के जनक पितामह आधुनिक भारत के मनु श्रीमान जी डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके अनुसार, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब अनुच्छेद 32। तो बच्चों ये थे 6 मौलिक अधिकार, जरा आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा बच्चों आपने। अब देखो मौलिक अधिकार है क्या, मौलिक विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकार भारतीय लोगों को भी प्राप्त हैं और विदेशी लोगों को भी प्राप्त हैं, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि सत्य असत्य की बातों में इस प्रकार के प्रश्न में हमें गलती करवा देता है। इस प्रकार का ट्रेंड आजकल चल रहा है कि बच्चों से प्रश्न कैसे गलती करवाए। तो मौलिक अधिकार देखो बच्चों भारतीयों को भी प्राप्त है और मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार किसे भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो यहाँ से तैयार होता है कि निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकार हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़े, अनुच्छेद 12 से 35, 12 में राज्य की परिभाषा, 13 बहुत महत्वपूर्ण है, अल्पीकरण से संबंधित है, न्यायिक पुनरावलोकन का मूल आधार है, और 14 से 32 तक हमारे सिक्वेंस में चला करते हैं। 33, 34 मैं आप लोगों को बता चुका, 35 का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूं शॉर्ट में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29,
31, 31 डिलीट कर दिया और ये 32। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, कई सारी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपको दुनिया भर के कॉन्टेक्ट नंबर याद होंगे, तो आप लोग आज मेरे भी नंबर याद कर लेंगे। और मेरे नंबर हैं कॉन्टेक्ट नंबर 15, क्योंकि 10 नंबर ही तो हुआ करते हैं, 16, 19, 29 और 30। इन नंबरों पर आप संपर्क कीजिए मेरे से, क्योंकि ये क्या है, ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। आप लोग कॉन्टेक्ट मत कर लेना, ये सब मैं बता रहा हूँ कि इनको हम याद करेंगे, मोबाइल नंबर भी याद कर लेते तो हो जाएंगे आराम से। 15 अनुच्छेद 15 16 19 29 और 30, मतलब शिक्षा और संस्कृति का ये भेदभाव नहीं करेंगे, लोक नियोजन में अवसर की समानता और स्वतंत्रता, ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं 15 16 19 29 30 जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। बाकी सारे के सारे मौलिक अधिकार, अन्य जो मौलिक अधिकार हैं वह भारतीयों को भी प्राप्त है, साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे विदेशियों को भी प्राप्त है, ये आप लोगों को पता रखना है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, जरूर भी पूछा जाएगा तो, कि भारतीयों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 15 16 19 29 और 30 ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। आप लोग एक मिनट इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की अगर मैं आपको और जानकारी दूं, आपने ले लिया होगा, तो देखो मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वो नकारात्मक है, आप लोग जान चुके। लेकिन बच्चों जैसा कि आजकल हो रहा है स्टे होम, आप लोगों को पता है कि कोरोना महामारी में सभी लोग स्टे होम, मतलब जहाँ के जहाँ फंसे हुए, निषेधाज्ञा लगी हुई है हमारे यहाँ, एक तरह से मार्शल लॉ की भी बात करेंगे जब लास्ट में मैं आप लोगों को मौलिक अधिकार समाप्त करवाऊंगा। तो मार्शल लॉ जैसी भी स्थिति हमारे देश में हो जाया करती है, और ज़रूरी नहीं है, अभी कोरोना जैसी महामारी जो आई तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम अनुच्छेद 352 का ही प्रयोग करें, राष्ट्रीय आपात का ही प्रयोग करें। हमारी सरकार जो अन्य कई सारे प्रावधान इसे लेकर के आ सकती है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि 352 का भी हम मंत्रियों की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लागू कर सकता है, और मंत्रियों का यहाँ पर जो सीधा अर्थ होगा वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से होगा, क्योंकि मंत्रियों का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि पोजीशन कैसी है, स्थिति कैसी है, तो क्या करे। तो अभी आप लोगों को पता है कि संपूर्ण देश में निषेधाज्ञा लगी हुई है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आपात में, किस में, राष्ट्रीय आपात में। अब आप सभी जानते होंगे कि राष्ट्रीय आपात क्या है, राष्ट्रीय आपात को मैं अलग से बहुत बढ़िया क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप आपके जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। राष्ट्रीय आपात में, राष्ट्रीय आपात लगता है बच्चों अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रीय आपात में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपात में राष्ट्रपति इनका क्या कर देता है, निलंबन कर देता है, राष्ट्रपति इनको क्या कर देता है, निलंबित कर देता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो, अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया हो, तो उस वक्त हमारे देश में बच्चों राष्ट्रपति इन मौलिक अधिकारों को क्या कर देता है, निलंबित। लेकिन यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के हो सकता है कि ऐसे मौलिक अधिकार जो राष्ट्रीय आपात में भी बने रहेंगे वह कौन से हैं, अनुच्छेद 20 और 21। जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात का प्रयोग कर रखा हो, हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लग रहा हो, ऐसी स्थिति में भी अनुच्छेद 20 और 21 जो निलंबित नहीं होंगे, तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ऐसे मौलिक अधिकार जो राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं होते हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। नेक्स्ट आप लोगों से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 352 के तहत सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित होता है बच्चों, सबसे पहले निलंबित होता है अनुच्छेद 19, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्टिकल 358 के तहत सबसे पहले अनुच्छेद 19 निलंबित होता है, बाकी सभी के सब 359 के तहत होते हैं, लेकिन 20 और 21 ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं बच्चों जो राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मौलिक अधिकार जो राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं होते, अनुच्छेद 20 और 21।
ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का उपबंध है जो अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, हम राष्ट्रपति की शक्तियों में इन्हें पढ़ेंगे। और आपातकालीन शक्तियां हम लोगों ने जर्मनी से ली है। देखो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे आपत कब आती है, जब मनी खत्म हो जाए। तो आपत कब आएगी, जब मनी खत्म हो जाए। मनी से ध्यान रखेंगे, जर्मनी मतलब आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 की, क्योंकि मौलिक अधिकार कहाँ से प्रारंभ होते हैं ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है, इस बात को आप लोग जरा समझ लेंगे। अनुच्छेद 12 में बहुत बढ़िया बात लिखी गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या उल्लेखित है, राज्य को परिभाषित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो राज्य यहाँ पर क्या होगा, किया गया है। हम राज्य किसे कहेंगे, हमेशा नहीं कहेंगे कि हम राजस्थान के हैं या यो हैं तो राजस्थान राज्य है। दरअसल अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ ये नहीं है, हमारे भौगोलिक क्षेत्रों में बंधा हुआ राज्य नहीं है। अनुच्छेद 12 में राज्य हो सकते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति भी राज्य के अंतर्गत ही होंगे, हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी इसके अंतर्गत होंगे, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंतर्गत हो सकता है, हमारे देश का हाई कोर्ट भी इसके अंतर्गत आ सकता है। इसके अलावा हम और बातचीत करते हैं तो हमारे देश की जो संसद है, संसद भी इसके अंतर्गत आ सकती है। इसके अलावा समस्त संस्थाएं, आप लोग ध्यान रखेंगे, समस्त संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से सहयोग प्राप्त करती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सरकार से सहयोग प्राप्त करती है ऐसी तमाम संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से सहयोग प्राप्त करती है, उन सभी को अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है, राज्य बताया गया है। और ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, मतलब ये तमाम संस्थाएं मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ये तमाम संस्थाएं मौलिक अधिकारों का हनन करती है, ये संस्थाएं मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, तो मौलिक अधिकारों को मैं समझा चुका कि मौलिक अधिकार क्या है बच्चों, वाद योग्य। मौलिक अधिकार में आप क्या कर सकते हो, वाद कर सकते हो। और मौलिक अधिकारों में वाद से संबंधित दो प्रकार के, एक तो है बच्चों सुप्रीम कोर्ट और एक है बच्चों हाई कोर्ट। अगर इस राज्य को परिभाषित किया गया है, इनमें से अगर कोई भी संस्था, वो तमाम संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट परोक्ष अपरोक्ष रूप से सरकार से सहयोग प्राप्त करती है, ऐसी संस्थाएं अगर मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग कहाँ जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मैं आप लोगों को जब अनुच्छेद 32 पढ़ाऊंगा तब और विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत लेख जारी करेगा, रिटे जारी करेगा, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करेगा। मैं अभी थोड़ा सा परिचय दे देता हूं ताकि आप लोग जब बाद की क्लास पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। तो अनुच्छेद 12 में क्या उल्लेखित है, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, राज्य को परिभाषित किया गया है। यहां पर अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ क्या है, ऐसी तमाम संस्थाएं जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करती है। इस बात का उल्लेख कहां कर रखा है कि राज्य में कौन कौन होंगे, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 12 में कर रखा है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं अनुच्छेद 13 की, उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 में जरा क्या लिखा हुआ है ये हम देख लेते हैं, तो ले लिया होगा शायद आपने। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 अपने आप में एक बहुत बढ़िया अनुच्छेद है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो आप आर्टिकल 13 की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जरा क्या कहता है, बहुत बढ़िया और अच्छे से आप लोग समझेंगे। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इसकी व्याख्या करवाई जाती है, लिखित रूप से भी करवा ली जाती है, तो कभी कभार आप लोगों को वैकल्पिक परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान रखेंगे आप, अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मूल आधार दिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का मूल आधार। न्यायिक पुनरावलोकन में आप लोगों को समझा चुका हूँ गोलकनाथ और केशवानंद भारती के मामले में, क्योंकि वो जो मामला हुआ था उसमें हमारे कोर्ट
उनके फैसले को बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अधिकार अनुच्छेद 137 में दिया गया है। 137 में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख कर रखा है, लेकिन भारतीय संविधान में पुनरावलोकन जैसे शब्द का प्रयोग ना करके पुनः निरीक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। पुनः देख करके दोबारा फैसला सुनाना, तो अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का मूल आधार है, भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम बातचीत करते हैं तो इनके अल्पीकरण से संबंधित है। अल्पीकरण देखो आपने पढ़ा होगा लेकिन संविधान आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा, तो अल्पीकरण से संबंधित है। ये अल्पीकरण क्या है, इनका अल्पीकरण हम कैसे करेंगे, क्योंकि अल्पीकरण को समझने से पहले आप ये समझ लेंगे कि ये विधि का ला आप लोग समझते होंगे, विधि विधि का विधि की व्याख्या भी की गई है यहाँ पर, आप लोग ध्यान रखेंगे कि विधि कानून क्या होता है उसकी व्याख्या भी की गई है, साथ में विधि का संरक्षण भी किया गया है, विधियों का संरक्षण भी कहाँ पर किया गया है, अनुच्छेद 13 में किया गया है, ये ऐसा बताते हैं अल्पीकरण। अब मैं समझाता हूँ इस विधि की व्याख्या के सहित कि दो प्रकार की विधियाँ होगी बच्चों, एक आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन और एक होगी बच्चों पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब 26 जनवरी 1950 के पूर्व की हम बातचीत कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 के पूर्व के कई सारी विधियां अभी हमारे यहाँ पर चालू है, कई सारी विधियां जो हैं हमारे यहाँ पर लागू हैं, लेकिन वह किसके संगत होना चाहिए, मौलिक अधिकारों के संगत होना चाहिए। अगर वह मौलिक अधिकारों के संगत नहीं होगी तो हम उनका क्या कर देंगे बच्चों, अल्पीकरण कर देंगे। इस बात को कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 13 में। एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप लोग समझेंगे कि 26 जनवरी 1950 के बाद के तमाम नियम, 26 जनवरी 1950 के बाद के तमाम नियम भी कैसा होना चाहिए बच्चों, इन्हीं मौलिक अधिकारों से संगत होना चाहिए। आज आप लोगों ने मौलिक अधिकारों का सामान्य परिचय जाना, नेक्स्ट क्लास में मैं तमाम मौलिक अधिकारों को व्याख्या सहित ट्रिक सहित आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, और निश्चित ही आपको हमारे आज भाग 3 के मौलिक अधिकारों का परिचय बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। निश्चित ही आप लोग परीक्षा में प्रश्न सही करके आएंगे। अगर आपको मेरी कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा, इसे मुझे अच्छा लगेगा और काम करने के लिए मुझे और बढ़िया आप लोगों से प्रेरणा मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।